हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो सीपीसी के द्वारा एडजस्टमेंट्स करके एसएससी का डिसअलाउंसेस किए जाते हैं, तो उन डिसअलाउंसेस होने पर एसएससी के पास क्या उसका राइट है और किस तरीके से वो डिसअलाउंसेस को ठीक कराया जा सकता है, ये केस उस चीज पर बेस्ड है। एक तरीके से जो सीपीसी के द्वारा डिसअलाउंसेस किए जा रहे हैं वो यदि स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो वो एज पर लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ डिसअलाउंसेस ऐसे होते हैं जो डिसअलाउंसेस एरिया ऑफ डिस्प्यूट होते हैं, जहां पर दो ओपिनियंस होते हैं, और सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो डिसअलाउंसेस का एक सिद्धांत है वो ये है, खाली वही डिसअलाउंसेस किए जाने चाहिए जो एट द फेस मिस्टेक हो, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 154 जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का है वो करीबन करीबन सेम फुटिंग पर फॉल करता है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में आज के टाइम में ये देखा जाता है कि यदि ऑडिटर अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई भी इनकम या कोई भी आइटम खाली एज ए रिपोर्टिंग आइटम के बतौर भी रिपोर्ट कर दे तो सीपीसी उस आइटम को एसएससी की इनकम में एड बैक कर देता है, और कई बार तो एसएससी को एक अपनी गलती को समझाने का मौका भी नहीं दिया जाता और डायरेक्ट उसको सेक्शन 143(1) का ऑर्डर आता है। तो ऐसे केस में एसएससी के पास क्या राइट है, यही चीज प्रेजेंट केस अनंत दिलीप भाई पटेल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिस्कस हुई, और ये केस 113 आईटीआर शॉर्ट नोट 44 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 जून 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपना टैक्स ऑडिट कराया और उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एसएससी के टैक्स ऑडिटर ने जहां पर अदर इनकम का कॉलम होता है, अदर इनकम का मतलब यह है कि जो इनकम एसएससी की बिजनेस इनकम में नहीं आनी, वहां पे कुछ आइटम्स को रिपोर्ट किया और इन आइटम्स में 5 आइटम्स टैक्स ऑडिटर ने रिपोर्ट की कि एसएससी को इन सोर्सेज से भी इनकम है। पहला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट, थर्ड डिविडेंड, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट, और फिफ्थ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये रिपोर्ट करने का खाली जो मकसद था वो ये था कि ये इनकम एज ए बिजनेस इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एसएससी ने ये इनकम अपने बाकी के 4 हेड्स के अंदर दिखाई है, लेकिन सीपीसी ने इन 5 आइटम्स को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर भेज करके इनका डिसअलाउंस कर दिया। मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये इनकम अब एसएससी की इनकम में 2 बार ऐड हो गई। एसएससी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो ये ऑर्डर था इसके अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी। सीआईटी अपील ने अपील के दौरान ये देखा कि जो 4 आइटम थे जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था, डिविडेंड था, और जो पोस्ट ऑफिस पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था, ये 4 आइटम ऐसे थे उन 5 आइटम्स में से जिसका एग्जैक्ट अमाउंट उस अमाउंट से मैच कर रहा था जो अमाउंट टैक्स ऑडिटर ने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया था और जो एसएससी ने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर या रिटर्न के अंदर उसको एग्जैक्ट अमाउंट उतना दिखाया हुआ था। तो सीआईटी ने उन 4 आइटम्स पे तो एसएससी को रिलीफ दे दिया कि ये डबल टैक्सेशन है, लेकिन 5वां आइटम जो कैपिटल गेन का था, कैपिटल गेन में जो एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर गेन दिखाया हुआ था वो 253,211 था और जो टैक्स ऑडिटर ने कैपिटल गेन दिखाया वो 262,383 था। सीआईटी अपील ने ये देखा कि ये अमाउंट मैच नहीं करता और जो अमाउंट है ये उस अमाउंट के
अलावा है, इसलिए जो टैक्स ऑडिटर ने अमाउंट मेंशन किया था टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उसको एज इट इज एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया। कहने का मतलब है कि जो एओ ने एडिशन किया था उसको सीआईटी अपील ने कैपिटल गेन वाले को एज इट इज रखा। एसएससी इस मैटर को ट्रिब्यूनल के पास लेकर गया और ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो टैक्स ऑडिटर ने 262,000 को रिपोर्ट किया है उसके अंदर वो अमाउंट इंक्लूड है जो एसएससी ऑलरेडी अपने कैपिटल गेन में दिखा चुका है। ज्यादा से ज्यादा यदि असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी अपील इस मैटर में एडिशन करते तो खाली उस डिफरेंस को कर सकते थे जितना अमाउंट टैक्स ऑडिटर ने अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ज्यादा दिखाया है और वो भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होना चाहिए था। इस तरीके से एसएससी के जो डिसअलाउंसेस किए गए सीपीसी के द्वारा कुछ चार आइटम्स में एसएससी को सीआईटी अपील से रिलीफ मिला और एक आइटम के अंदर ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिला। आज के टाइम में यदि सीआईटी अपील और उसके बाद ट्रिब्यूनल तक जाना है तो करीबन करीबन एसएससी के 5 या 6 साल लग जाते हैं। आप देखिए कि जिसका अधिकार सीपीसी को है ही नहीं और यदि सीपीसी एक पूरा सुनवाई का मौका दे, सीपीसी के पार्ट पर भी एक पर्सनल हियरिंग का मौका होना चाहिए ऐसे डिसअलाउंसेस करने से पहले, ताकि एसएससी अपनी बात को समझा पाए। क्योंकि जब भी 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का इंटीमेशन एसएससी को भेजा जाता है डिसअलाउंस को प्रपोज करने के लिए, तो ये जनरली देखा गया है कि जो भी एसएससी सबमिशंस देता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता और एसएससी के डिसअलाउंसेस कर दिए जाते हैं। तो खाली एक ही ऑप्शन एसएससी के पास बचता है कि एसएससी जो है वो अपील करे। हालांकि कई जगह 154 की भी एप्लीकेशन लगाते हैं लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा सक्सेस एसएससी को नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली अपील में जाना पड़ता है। और इन छोटी छोटी गलतियों को, जो कि सीपीसी की गलतियां हैं, उनको ठीक कराने के लिए एसएससी को एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहरहाल इस केस में ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आनंद दिलीप भाई पटेल वर्सेज इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 113 ITR शॉर्ट नोट 44 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 जून 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।